जी मैं कहना चाहूँगा लखनऊ में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। आज मैं लखनऊ आया अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि लखनऊ की जितनी भी आवाम है और यूपी की जितनी भी आवाम है वो मेरी फिल्म रुस्तान को 26 अप्रैल को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये फिल्म में बहुत सारा मनोरंजन है, एक्शन है, एंटरटेनमेंट है, जो मुझे लगता है लखनऊ के लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ जाके देखिए, मुझे इतना प्यार मिल रहा है लखनऊ में, आप बस ये प्यार थिएटर और मीटर में भी दिखाना प्लीज़। सलमान खान आपके पास जी है, आप सिनेमा में हैं, कितना उसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपने उनके साथ शुरुआत जी किया और जी अब अकेले हैं। जी जी मैं यू नो कहता हूँ कि फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा होता है आपकी सीख में, जो वो आपको सिखाते हैं। उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, गुरु की तरह मुझे यू नो सब सिखाया, एक्टिंग के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में। मैं एक फिल्म परिवार में यू नो पैदा तो हुआ नहीं था, बट उनसे जो भी सीखा हूँ आज उनकी वजह से सीखा हूँ, तो उनका दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बट अब मैं अपनी जर्नी खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि यू नो कहीं ना कहीं मुझे ऑडियंस तक पहुँचने के लिए अपने खुद का भी फिल्म सिनेमा बनाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और उनकी भी यही उम्मीद है कि जितना प्यार उन्हें मिला उतना प्यार मुझे भी मिले। सर, रसलान यानी सीख जी की तेजी होती है, जी तो फिल्म का नाम रसलान क्यों चयन किया गया? जी जब आप एक कहानी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक लड़का एक यंग उम्र में अपनी पहचान दुनिया तक लेके जाता है। वो एक पहचान की खोज में है और वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, और उसको क्या क्या आपत्तियों से गुजरना पड़ता है अपनी पहचान बनाने के लिए। ये कोई वो सिंपल टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं है जहाँ पे एक विलन है, यहाँ पे कहीं विलन है, कहीं यू नो मोड़ है, जिस सबसे उसको लड़के यू नो रुस्तान बनना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये रुस्तान एक अभिमन्यु है जिसको चक्रव्यूह से निकलना तो आएगा। फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ आई हैं, हाँ जी चिकन को दो चीज़ों से जाना जाता है, चिकन के कपड़े और जी चिकन का खाना। जी क्या कहेंगे लखनऊ के बारे में? सर, मुझे चिकनकारी बहुत पसंद है, आप अभी भी देख सकते हैं मैंने ये पहना है। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत चिकनकारी के कुर्ते पहनती हूँ, और लखनऊ का इसके और एक चीज़ भी खास है, शाही टुकड़ा, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस फिल्म को लेकर क्या कहूँगी, कितना संघर्ष रहा है ये फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म देश के बाहर भी शूट की गई है। जी। सर, हमारी जो पूरी टीम है ना, बहुत यंग है, और सब सब हर किसी का इतना बहुत बड़ा सपना है। ये मेरी पहली मूवी है और मुझे मतलब इतने बड़े और एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेकर्स ने इतना विश्वास दिखाया एक डेब्यूटांट एक्ट्रेस को कास्ट करने के लिए, बिकॉज़ मेरा कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल है। मेरे को डांस करने का अपॉर्चुनिटी मिला, एक्टिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और एक्शन भी करने का, और दमदार एक्शन करने का मौका मिला। सो आई थिंक सबसे संघर्ष इसी में रहा है कि जो जो मेकर्स ने मेरे लिए विश्वास दिखाया उस पर मैं खरी उतरूँ। मैम, आपके फादर आर्मी से बिलोंग जी करते हैं, जी आपकी माँ आईपीएस हैं, जी और फिल्म में पूरी तरह से एक्शन है, आपने जी एक सीनियर मैनेजर बनी, तो कितना लाभ उस फैमिली बैकग्राउंड का मिला? और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने पापा को रोज़ फ़ोन किया है और पूछा है पापा ऐसे ऐसे हो रहा है क्या किया जाए। तो मतलब मेरे पापा और मम्मा ने दोनों ने इतनी मदद की है मेरे कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। मैंने बहुत समझा है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, बट देन मेरे कैरेक्टर प्रेप करने के लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत मदद की है। तमाम एक्शन फिल्म आई है, इस जी फिल्म में खास क्या है? खास ये है कि हमारा जो एक्शन है वो एक्शन करने के लिए एक्शन नहीं है, जो स्क्रिप्ट में देर इज कुछ होता है जिसकी वजह से हम वो करते हैं, और हर एक्शन सीक्वेंस अलग है, 7 अलग तरीके के एक्शंस हैं। उसके अलावा इमोशन बहुत ही पावरफुल है हर सीन का, जैसे एक एक्शन है जिसमें कॉमेडी है, एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें बहुत फियरलेसली लड़ाई की गई है। तो आप जब देखेंगे मूवी आपको समझ में आएगी कि हर एक्शन सीक्वेंस हमारी कहानी को आगे लेके जाते हैं। जी सर, देखिए हमने बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से पूरी मूवी बनाई है, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम ऑडियंस को एक ऐसी मूवी दे पाएं जिसमें उनको एंटरटेनमेंट मिले, उनका कंप्लीट पैसा वसूल हो, और यू नो वो उनको कंप्लीट एंटरटेनमेंट मिले। हम बस यही चाहेंगे, और बस मेरी यही उम्मीद है कि ऑडियंस हमें एक मौका दे 26 अप्रैल को आके हमारी मूवी देखे, एंड ऑडियंस इज़ द किंग।